ईटा बेस्ड ईटा टेस्ट से रिलेटेड। ये ऑब्जेक्टिव मैंने पिछले साल एक टेस्ट में दिया था, एकेडमी टेस्ट में दिया था, और फिर इसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया था, इसकी डिस्कशन भी की थी, एक आंसर सेलेक्ट किया था। कैसे किया था वो बताता हूं। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फर्ज करो व्हेन एन एम्पलीट्यूड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम बिकम 4 टाइम्स। अगर ये एक वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम है और इसके एम्पलीट्यूड को हम 4 टाइम्स ज्यादा कर दें तो इसके टैबी रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने जो फर्स्ट डिस्कशन किया था, मेरा जो अपना आइडिया था वो ये था कि स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट m ओवर k। ये बेसिक फार्मूला है। अगर हम स्प्रिंग मास सिस्टम को कम खींचे, ज्यादा खींचे, उससे भी ज्यादा खींचे, तो इससे ना मास में फर्क पड़ता है ना स्प्रिंग कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है। स्प्रिंग कांस्टेंट भी वही रहता है, मास भी वही रहता है, लिहाजा मास भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट। लिहाजा अगर हम एम्पलीट्यूड को जितना भी चाहे इंक्रीज करें या जितना भी चाहे डिक्रीज करें तो इस इंक्रीज और डिक्रीज का मास और के पर और पाई और टू पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सो देयरफॉर टाइम पीरियड जो है इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि टाइम पीरियड विल बी अनचेंज्ड। टाइम पीरियड विल बी अनचेंज्ड एंड हेंस द आंसर जो था, मैंने जो इसका आंसर सेलेक्ट किया था वो आंसर था ऑप्शन ए, टी। यानी टी टाइम पीरियड था वो टी रहेगा। अगर आप एम्पलीट्यूड कम करो ज्यादा करो इस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एम्पलीट्यूड के इंक्रीज डिक्रीज से मास या के पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्कशन के बाद वो वीडियो काफी लोगों ने देख लिया और मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट पे मुझे मैसेजेस किए फिजिक्स से रिलेटेड लोगों ने कि भाई वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम हो, जब वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम हो तो फिर फार्मूला इस्तेमाल होता है, ये नहीं बल्कि ये फार्मूला इस्तेमाल होता है कि 2 पाई अंडर द रूट एक्स नॉट डिवाइड बाय जी। ये फार्मूला इस्तेमाल होता है वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए। और ये फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो जब ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड 4 टाइम हो जाए तो अगर आप लोग इस एम्पलीट्यूड के साथ 4 लगा दो, यानी एम्पलीट्यूड के साथ 4 लगा दो तो 4 का रूट इसके साथ 2 ले आएगा, लिहाजा टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, फिर ये टी नहीं रहेगा। यानी अगर कोई ये इक्वेशन इस्तेमाल करेगा तो इस इक्वेशन के मुताबिक इस वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम का एम्पलीट्यूड बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगा और 4 टाइम एम्पलीट्यूड बढ़ाने से टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के मुताबिक लोगों ने मुझसे कहा कि इसका आंसर 2t है और आपने गलत बताया है। मैंने फिर फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी मेरे एक्सिस में लोग थे फिजिक्स से अवस्था, मैंने अप्रोच किया, डिस्कशन किया, लेकिन मेजॉरिटी लोग इस आइडिया से एग्री थे, लिहाजा मुझे अपना आंसर चेंज करना पड़ा और मैंने फिर कहा कि भाई ये टी नहीं बल्कि अगले वीडियो में मैंने कहा कि ये 2t है। बट टू टेल द ट्रुथ, मैं पर्सनली इससे एग्री नहीं हूं, बिकॉज मैं इतना जानता हूं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं और ये ऑसिलेटर के बदलने से बदलती हैं, लेकिन ये एम्पलीट्यूड से ताल्लुक नहीं रखती, क्योंकि एम्पलीट्यूड हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं, कम भी प्रोवाइड करें ज्यादा भी, जब तक ऑसिलेटर चेंज नहीं करते तब तक आप टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करते। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, दे हैव नो रिलेशन। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं और मैंने एक टेम्पररी वर्टिकल स्प्रिंग मास सिस्टम भी आपके लिए अरेंज कर दिया, यहां से डिमॉन्स्ट्रेट करके पता लगाते हैं। मैं एक बार एम्पलीट्यूड कम दे रहा हूं आपके सामने, एक बार एम्पलीट्यूड ज्यादा दे रहा हूं, अगर दोनों जगहों पर टाइम की वैल्यू सेम आ गई तो इट मीन कि ये आइडिया ठीक है और टाइम पीरियड का ये आंसर ठीक होगा। और अगर दोनों जगहों में टाइम इस तरह डिफरेंट आया कि ज्यादा एम्पलीट्यूड पर टाइम ज्यादा और कम एम्पलीट्यूड पर टाइम कम आया तो फिर मैं कहूंगा कि ये बात सही है और इस एमसीक्यू का आंसर फिर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं, मैं दूसरे मोबाइल से अपना टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए विजिबल हो कि क्या वाकई टाइम वही आता है, एम्पलीट्यूड के बदलने से टाइम में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता। अभी जनाब हमारे पास डिस्कशन हो जाएगी। ये मैंने आपके सामने एक स्टॉपवॉच रख लिया,
स्टॉपवॉच है, ये ऑसिलेटर है, मैं पहली बार मामूली एम्पलीट्यूड दूंगा और 10 वाइब्रेशन का टाइम रिकॉर्ड करूंगा, और फिर बड़ा एम्पलीट्यूड दूंगा और 10 वाइब्रेशन का टाइम रिकॉर्ड करूंगा, अगर दोनों जगहों पे टाइम सेम आया तो ऊपर वाला आइडिया ठीक है और क्वेश्चन का आंसर होगा टी, और अगर कम टाइम पीरियड कम एम्पलीट्यूड पर टाइम पीरियड कम और ज्यादा एम्पलीट्यूड पर टाइम ज्यादा आया तो मैं कहूंगा दूसरा ऑप्शन सही है और ऑप्शन डी ठीक होगा। हम स्टार्ट लेते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपको पे मोबाइल का स्क्रीन निकालूं कि क्या-क्या टाइम आया है। लेट मी स्टार्ट, आप मुलाहिजा करें, प्लीज फोकस करें। देखो ये ऑसिलेटर है, मैं इसको बहुत कम नीचे लाया हूं, एम्पलीट्यूड कम है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, the time is 9.9, the time is 9.96 seconds, 9.96 seconds। अब अगर मैं एम्पलीट्यूड 4 टाइम बढ़ा देता हूं, तकरीबन जितना मैंने किया उससे थोड़ा नीचे ले जाऊंगा, ज्यादा नीचे ले जाऊंगा 4 टाइम, अगर टाइम पीरियड 9.9 के बजाय 18 पॉइंट समथिंग आ गया तो मैं कहूंगा कि ये सिचुएशन ठीक है और ये आंसर ठीक है और ये ऑप्शन ठीक होगा। और अगर टाइम 9.9 के आसपास आ गया एम्पलीट्यूड बढ़ाने के बावजूद भी, तो इसका मतलब है कि पहला वाला ऑप्शन सही है, पहला अप्रोच भी सही है और पहला आंसर भी सही है। अब पहला 9.9 आप याद रखिएगा। अब मैं दूसरा रीडिंग ले रहा हूं जिसमें एम्पलीट्यूड में काफी ज्यादा लूंगा, उसके मुनासिब से देखो वही मीन पोजीशन पे अप्रोक्सीमेटली उसमें कितना एम्पलीट्यूड दिया था मेरे स्टूडेंट्स, इतना सा दिया था। अब देखो एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तकरीबन 4 टाइम मैंने ज्यादा किया, कम बेस गाइस है तो देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए हमारे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मुझसे फर्स्ट क्लिक में स्टॉप नहीं हुआ, फिर भी आंसर 10.1 या 10.2 के करीब है। इसका मतलब है कि हमारा एम्पलीट्यूड जो था, पहला एम्पलीट्यूड हमने दिया था स्मॉल या एक्स नॉट या वन टाइम एक्स नॉट दिया था, फिर भी जो टाइम था वो 9.9 आया था, और फिर हमने एम्पलीट्यूड को 4 टाइम्स ऑफ एक्स नॉट दिया, फिर भी तकरीबन 9.9 या राउंड अबाउट 10.2 सेकंड आया। तो ये बहुत ही क्लोज इस बात का सबूत है कि एम्पलीट्यूड कम करो या ज्यादा करो लेकिन ऑसिलेटर के टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द